हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के लक्ष्यों और नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए काम करें, आम लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम करें, योजनाबद्ध संपर्क अभियान चलाने के साथ साथ पार्टी संगठन को मजबूत करें, ताकि भविष्य में कांग्रेस एक बार फिर लोगों के मन में लोकप्रिय पार्टी बन सके। ऐसी अपील आज महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मंत्री और उत्तर नागपुर विधायक नितिन राउत ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वह उत्तरी नागपुर के बेजनबाग से जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित बैठक में बोल रहे थे। वर्तमान सरकार ने जनता से झूठे वादे किए हैं, पहले मंत्र फिर तकनीक और अब साजिश। वर्तमान समय में बेरोजगारी बढ़ गई है, किसानों का शोषण हो रहा है, चूँकि विकास रुका हुआ है। केवल कांग्रेस ही समग्र विकास कर सकती है और देश को प्रगति के पथ पर ले जा सकती है। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में लोकसभा चुनाव की चर्चा हो रही है, आम चुनाव बस कुछ ही महीनों पर है, इसके लिए कांग्रेस को मजबूत करें, ऐसा संदेश डॉक्टर राउत द्वारा कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिया है। आज देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, संविधान और लोकतंत्र के चारों स्तंभ खतरे में है। इस व्यवस्था को बरकरार रखना कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश और अहंकारी सरकार को घर बैठाने और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए काम करने लगे। राउत ने कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।